वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर फ्रेश एंड न्यू एपिसोड ऑफ राज व्लॉग्स। और ये बोलने के लिए काफ़ी तहस गए थे, तो आज हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स गुस्करा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक बने रहिए इस व्लॉग में और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी। सो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल द एंड। दामोदर और अजय नदी के तीर में स्थित गुस्करा, जिसे पहले गोबधुम के नाम से भी जाना जाता था, बंगाल के पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा इलाका है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि गुस्करा ही क्यों। इसका रीज़न ये है कि जब मैं 1-2 साल का रहा होगा तब मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, तो एक बेहद पुराना सा रिश्ता है मेरा इस जगह के साथ। एक बात जो गुस्करा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे वो ये है कि गुस्करा सन 1944-45 तक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का एयरफील्ड माना जाता था। ये बर्मा कैंपेन में इसे एयरफोर्स का 10वां रिकॉन बेस माना जाता था। नॉर्थरोप P-61 ब्लैक विडो और लॉकहेड P-38 लाइटनिंग जैसे कई विमान इस क्षेत्र में लगातार उड़ाए जाते थे। हालांकि अब इस बेस को बंद कर दिया गया है। गुस्करा की इकोनॉमी का एक बेहद बड़ा अंश खेती पर निर्भर करता है। आलू, धान और अरुम जैसे कई फसल यहाँ उगते हैं। ये क्षेत्र बेहद स्वादिष्ट अरुम के लिए प्रसिद्ध है। भारी मात्रा में आलू और धान यहाँ उत्पादन होता है और यहाँ कई सारे लोग मछली की खेती और पोल्ट्री फार्म्स के ज़रिए रोज़गार करते हैं। अब गुस्करा के ऊपर व्लॉग हो और ढोकरा आर्ट की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करके बनवाया जाता है। ये वैक्स कास्टिंग टेक्निक एक नॉन फेरस मेटल को बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मेटल कास्टिंग भारत में पहली बार 4000 साल पहले इस्तेमाल किया गया था, जो कि आज भी इस जगह की शोभा बढ़ाता है। हालांकि इस ढोकरा आर्ट को बाजार तक बेचने वाले कई मिडिलमैन बेहद अधिक प्रॉफिट कमाते हैं, पर इन कारीगरों को प्रॉफिट का एक बेहद छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, जिस कारण से गुस्करा में रहने वाले ज़्यादातर कारीगर बेहद गरीब और लाचार है। इसके अतिरिक्त ये शिल्पकार एक बड़े पैमाने पर दैनिक बाज़ारों की मजदूरी पर निर्भर हैं। कोविड काल में ये छोटे पैमाने के मजदूर आए दिन भूख से मर रहे हैं। अगर संभव हो तो इन लोगों को मदद करना ना भूलिए। आपकी छोटी सी मदद किसी का जान बचा सकता है। बात ये हुआ कि पापा को कुछ काम के वजह से यहाँ पे आना था, तो हम लोग ने सोचा क्यों ये कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों मिस किया जाए, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे चले आए। और यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हो पूरा एक जंगल के बीच में अब मैं खड़ा हुआ हूँ। और अब यहाँ से जाना है वापस टुवर्ड्स दुर्गापुर। तो पता है व्लॉग बेहद छोटा होगा, पर मतलब अभी इस हालात में कि हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इस हालत में इतना सा भी हो पाया, ये भी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही कमेंट करना ना भूले चैनल में। तो आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल मैं इस व्लॉग को थोड़ा और खींचूँगा, तो फिर आपसे मिलते हैं कुछ अलग कंटेंट्स के साथ। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।